सभी एचकेएन कर्मचारियों को नमस्कार। साथियों, आज ये वीडियो हम बना रहे हैं ऐसे एचकेएन कर्मचारी के लिए जिन्होंने बड़ी इंसानियत दिखाई दूसरे कच्चे कर्मचारी के लिए। आप सभी को पता भी है और आप सभी को बता दें कि कुछ दिन पहले हमारे खेदड़ पावर ग्रिड में दुर्घटना हुई और एक हमारा जो कच्चा कर्मचारी है उसकी आकस्मिक डेथ हो गई, जिसके बाद से सभी एचकेएन के कर्मचारियों ने एक निर्णय लिया था। वह हमारे एक आशीष सर हैं हिसार से, जो फिलहाल एचकेएन के लिए काम कर रहे हैं और सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे एक दुर्घटना हो गई है, एक कच्चे कर्मचारी का जो परिवार है वो बिल्कुल बिखर गया है। वह उसकी सहायता के लिए 20 तारीख को आर्थिक सहायता की जाएगी सभी एचकेएन कर्मचारियों के साथ, लेकिन उसके बाद से कोई मैसेज नहीं आया किसी भी कर्मचारी का। उसके बाद जैसे ही मामला बढ़ा और सभी जो कच्चे कर्मचारी वहां पर पहुंचे खेदड़ पावर प्लांट में और वहां पर प्रशासन पर दबाव बनाया गया, उसके बाद से आर्थिक मदद उस परिवार की सरकार ने की, 35 लाख के आसपास वहां पर जो राशि है वो पीड़ित परिवार को दी गई। वह एक पक्की नौकरी भी परिवार के सदस्य को वहाँ पर दी गई है, वो तो मामला वहीं पर निपट गया। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि इंसानियत के नाते ग्रुप में मैसेज डाला था, लेकिन किसी भी कर्मचारी का, एचकेएन कर्मचारी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमारे एक ऐसे इंसान जो एचकेएन में कार्यरत है, उन्होंने इंसानियत दिखाई और जिस कर्मचारी ने, यानी आशीष सर ने मैसेज डाला था, उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कोई मैसेज किए ही हमारे आशीष सर के पास गूगल पे नंबर पर 500 रुपये डाल दिए। इंसानियत दिखाई साथियों, बात 500 रुपये की नहीं है, बात है इंसानियत दिखाने की, एक दूसरे कच्चे कर्मचारी की पीड़ा को समझने की। जिन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, केवल वहां पर उसकी पीड़ा को समझा और एक सेकंड के अंदर 500 रुपये हमारे कर्मचारी के खाते में डाल दिए कि आप जाओ, मैं नहीं आ सकता, और मदद के लिए 20 तारीख का जो समय दिया था उसके लिए उन्होंने 500 रुपये डाल दिए आर्थिक मदद के लिए। उस कर्मचारी का नाम अनाउंस मैं इसलिए कर रहा हूँ, उस कर्मचारी ने तो नहीं कहा कि मेरे लिए इस प्रकार से वीडियो बनाओ, लेकिन मेरी खुद की यह सोच थी कि ऐसे कर्मचारियों को हमें सामने लाना है जो एक दूसरे कच्चे कर्मचारी का इस प्रकार से दुख समझे। और ये वीडियो बनाएंगे तो दूसरे कर्मचारियों पर भी इसका असर होगा, मोटिवेट होंगे कि एक कच्चा कर्मचारी का परिवार किस प्रकार से बिखर जाता है, और सरकार भी ऐसे ही मदद नहीं करती। वहाँ तो दबाव हुआ, सभी कर्मचारी पहुँचे, उसके बाद कुछ आर्थिक मदद की सरकार की हम सराहना करते हैं, काफ़ी अच्छा काम किया। तो उस कर्मचारी का नाम मैं बताना चाहूँगा, नाम है सतीश कुमार और ज़िला है साथी का सरसा, और अभी वो एचकेएन में कर्मचारी है सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर। आप खुद अंदाज़ा लगा लें सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी कितनी होती है, लेकिन बात होती है दरियादली की, एक दूसरे कर्मचारी की जो पीड़ा को समझने की। उन्होंने समझी और जो पैसे वो डाल दिए, उसके बाद हमारे आशीष सर ने दोबारा उनको रिप्लाई किया, बात की कि इस प्रकार से जो आर्थिक सहायता वो सरकार ने कर दी है, अब हमें आर्थिक सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके जो पैसे वो वापस किए। लेकिन उसके बाद भी उस कर्मचारी ने, सतीश कुमार जी ने, सल्यूट करता हूँ मैं, जिन्होंने उसके बाद भी दरियादिली दिखाई कि आप इन पैसे को रखो, और जो एचकेएन के लिए आप मीटिंगें कर रहे हो, दिन भर दिन आप यहाँ से वहाँ जाते हो, मेहनत कर रहे हो, कहीं वहाँ पर आप इस पैसे को लगा दे। लेकिन हमारे आशीष सर ने उचित नहीं समझा और जो उनके पैसे वो वापस किए, और हम दोबारा से सभी कर्मचारियों को मोटिवेट करें साथियों, इस प्रकार यदि एक कच्चे कर्मचारी की दूसरा कच्चा कर्मचारी मदद करेगा तो मेरे ख्याल से इंसानियत सामने आएगी और जो परिवार बिखर जाता उसको सरकार की तरफ से मदद भी मिलेगी, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई आपकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा केवल यही मकसद था साथियों, कि आपको परिचित कराएं हमारे ऐसे कर्मचारी से जो तनख्वाह बेशक कम ले रहा हो लेकिन उसका दिल काफ़ी बड़ा हमें लगा, मैसेज तक नहीं किया, और पैसे जो उसका, साथियों देखो सैलरी पता नहीं किसकी कितनी है, लेकिन दिल की बात है, उन्होंने दिल से 500 रुपये भेजे जो हमारे लिए 5 लाख के बराबर थे। तो हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सतीश कुमार जो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर एचकेएन में कार्यरत है सरसा में हैफड डिपार्टमेंट में, उनकी इस
दरियादिली के लिए आप सभी एक बार वीडियो को शेयर करें, और अन्य यदि भविष्य में इकट्ठा होने की बात हो या कोई कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस प्रकार के विषय पर मैं कोशिश करूंगा कि आप इकट्ठे रहें। तो धन्यवाद साथियों, ये वीडियो मोटिवेट के लिए हमने बनाया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ।